अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद दबरे स्थित जिला मुख्यालय के पास सीडीओ कार्यालय पर जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल श्रमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को जनवरी 2018 से फरवरी 2020 तक कुल 14 माह का मानदेय न मिलने को लेकर दिया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना भारत सरकार के अंतर्गत जनपद फिरोजाबाद में 35 विशेष प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए गए थे, जिसमें लगातार कार्यरत करते हुए अनुदेशक, अनुदेशिका, क्लर्क, सहायिका को 14 माह का मानदेय नहीं मिला है। प्रोजेक्ट के अनुसार फरवरी 2020 को विद्यालय बंद हो चुके हैं, जिससे प्रार्थीगण को मानदेय न मिलने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगणों द्वारा लेबर कार्यालय में तैनात प्रोजेक्ट मैनेजर से लगातार वार्ता की जा रही है, लेकिन लगातार उनके द्वारा झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। अभी तक मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है, मानदेय दिलाने की गुहार लगाई। इस दौरान समस्त बाल श्रमिक स्टाफ, अनुदेशक, अनुदेशिका, क्लर्क, सहायिका आदि में प्रतीक्षा भारद्वाज, राहुल गुप्ता, मंजू, तबस्सुम, श्यामवीर, राखी गुप्ता सहित आदि मौजूद रहे। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। मेरा नाम गीता यादव है, मैं ऑक्सफोर्ड संस्था में नगला कोठी पर हूँ। हम लोग अनुदेशक हैं बाल श्रमिक में। हमारी बहुत बड़ी समस्या है कि हमें 14 महीने से कोई पेमेंट नहीं मिला है और इस बात को 17 महीने हो चुके हैं। 2020 में इस विद्यालय बंद भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज तक हमें कोई पेमेंट नहीं मिला है। अब हमारे घरेलू भी समस्याएं हैं, हमारी बाहर की भी समस्याएं, लेकिन हम क्या करें। इसलिए आज हमने सीडीओ सर को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी समस्या है उसको हल किया जाएगा जल्दी से जल्दी। कितने समय में किया जाएगा? उन्होंने कहा है कि 5 दिन में अगर कोई पेमेंट आ गई है तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, अन्यथा वो भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, कार्रवाई करेंगे और हमारे लिए वो हमारे साथ है। आज से पहले किसी अधिकारी से नहीं मिले आप? सर हम मिले तो कई बार है, लेकिन हमें आश्वासन कभी नहीं मिला था। आज आश्वासन मिला है? अब 5 दिन में अगर नहीं वेतन आया तो क्या करेंगे? 5 दिन में नहीं आया यदि तो हम दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और कर भी क्या सकते हैं। नीलम, किस पद पर? बीटी के पद। आज दबरई आई, क्या समस्या आपकी बताइए? मेरी समस्या ये है कि हमें भी मानदेय नहीं मिला। कब से नहीं मिला? 9 माह से हो गए। शिकायत किससे की है आपने? शिकायत यहाँ ऑफिस में आके ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वहाँ पूछते हैं और कहते हैं, और सीडीओ मैडम से शिकायत की है। तो क्या डिमांड, कब से वेतन नहीं मिला, कितने महीने का? 9 माह से हम लोगों का नहीं मिला, बीटीओ का। अच्छा, क्या आश्वासन क्या दिया? आश्वासन क्या दिया सीडीओ साहब ने? क्या दिया था आश्वासन? क्या दिया सीडीओ साहब? आश्वासन अभी दिया है 2-4 महीने। क्या कहा है उन्होंने? 2-4 दिन में आ जाएगा, 2-4 दिन में आपका मानदेय आ जाएगा। क्या बाल श्रमिक से हैं हम? मेरे सेंटर का नाम मोमिन नगर है, पूरे डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में 35 सेंटर खुले थे, जिसका 14 माह से बिल्कुल भी वेतन नहीं मिला, जो 14 माह का वेतन नहीं मिला है। सन 2020 फरवरी में सेंटर बंद हो चुके हैं, सेंटर बंद हुए भी 17 माह हो चुके हैं, हमें मानदेय बिल्कुल भी 1 महीने का नहीं मिला है और कोरोना काल चल रहा है। इसमें हमारा एक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसमें हमारा एक सेंटर पे 2 अध्यापक, 1 क्लर्क, 1 सहायिका है और इसमें मकान मालिकों का भी मानदेय नहीं मिला है और 1 VT टीचर है, इसका बिल्कुल भी मानदेय नहीं है। कोरोना काल बहुत लोग परेशान है। आज यहाँ दबरई आए, किसे ज्ञापन दिया आपने? हमने सीडीओ सर को दिया था विज्ञापन और डीएम को दिया था, तो डीएम सर मिले नहीं तो मैडम को अंदर दे गया। क्या आश्वासन दिया इन्होंने? उन्होंने ये कह दिया कि हाँ अभी 4 सीडीओ सर ने ये बोला कि अभी 4-5 दिन में, तो अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है क्योंकि अभी 4-5 दिन के अंदर कुछ जिलों का पेमेंट हुआ है, उसमें अगर हो गया हो तो हम आपका जल्दी से जल्दी हो जाएगा और नहीं हुआ है तो हम बात आगे बढ़ा रहे हैं और हम जल्दी से जल्दी आपका पेमेंट कराएं। क्या नाम है आपका? तूबा खानम।